इधर बेमेतरा में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। बता दें मोहरंगिया नाला उफान पर है और बस स्टैंड में पानी भर चुका है। लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ जारी है। बेमेतरा में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, तो बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार बारिश का सिलसिला बेमेतरा में जारी है। बीते 24 घंटे से बारिश यहाँ जारी है। जल भराव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार जल भराव साफ तौर पर हो रहा है। नदी और नाले उफान पर है। और बात करते हैं बिलासपुर की। लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। बारिश का पानी घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना बस स्टैंड, सिंह चौक, विद्यानगर, तोरवा समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। तो ये तस्वीरें सामने आ गई जल भराव की, जहाँ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई हिस्सों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को अब आफत का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में पानी यहाँ भरा हुआ है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वाहनों की आवाजाही में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल और बिलासपुर में किस तरह के हालात है, जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी राकेश चतुर्वेदी, वीरेंद्र गवई और नितिन नामदेव से बातचीत करते हैं। पहले राजधानी भोपाल चलते हैं। राकेश, आप ही का रुख कर लेते हैं। किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अलर्ट जारी किया गया है कई जिले, जहाँ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल में कैसा मौसम? देखिए, मध्य प्रदेश के 10 संभागों में से 6 संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है और इस समय हम देखें तो अभी भी जो हल्की फुहारें हैं ये बारिश हो रही है और ये बारिश का दौर आज दिन भर जारी रहेगा। मौसम केंद्र ने जो आकलन जारी किया है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम और सागर संभाग में तेज बारिश होगी और इस बारिश का जो कारण है, जो असर है, वो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के साथ जो का क्षेत्र बना हुआ है, उसके कारण ये बारिश हो रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बने चक्रवात का असर भी हो सकता है और उसी के कारण ये बारिश का दौर जारी है। फिलहाल हम आकलन की बात करें तो ये 6 संभाग हैं। 6 संभाग के तमाम जिलों में आज दिन भर बारिश बिल्कुल राकेश, यानी साफ तौर पर बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में लगातार बारिश बीते 24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही है। राजधानी रायपुर में किस तरह के हालात है, जानने की कोशिश करेंगे। नितिन, किस तरह की तस्वीरें रायपुर में आप देख पा रहे हैं? लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, चक्रवात की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो है ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। बता दें आपको कि रायपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी है। लगातार मीडियम वर्षा होगी। कल देखा जा रहा है कि कल दोपहर से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और वहीं जो सरगुजा संभाग है और जो बस्तर संभाग है वहाँ येल्लो अलर्ट जारी है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं बैरागी जी। अच्छा, किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? देखा जा रहा है कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, बारिश हो रही है। आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने की संभावना है और महाराष्ट्र यानी विदर्भ और ईस्ट एमपी से लगे जिलों में भी आज भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और जहां तक कल की बात है, कल से जो है वर्षा की संभावना थोड़ा कम हो जाएगा, भारी बारिश की संभावना कम हो जाएगा, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगी। अच्छा, देखा जा रहा है कल से लगातार बारिश हुई, आने वाले और कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट ऐसे जारी है? क्या इन जिलों पे क्या काफ़ी वर्षा होगी या मीडियम वर्षा होगी, किस प्रकार की वर्षा होगी? आज क्या है, जो मैं बोला कि
महाराष्ट्र बॉर्डर और जो एमपी बॉर्डर से लगे जिले जो है उस जगह पे जो है भारी बारिश की संभावना है कुछ जगह पे, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में जो हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। टेक्निकल कारण क्या देखा जा रहा है, किस वजह से ये जो बारिश है वो? एक लो प्रेशर फॉर्म हुआ जो ये नॉर्थ ईस्ट वे ऑफ बंगाल से जो आगे बढ़ा और ये उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे एमपी की ओर बढ़ रहा है, तो अभी की स्थिति में है हमारा छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है, तो जिसका प्रभाव हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। देखिए आज स्थिति इसी प्रकार रहने वाली है, उसके बाद बताया जा रहा है कि स्थिति जो सामान्य हो पाएगी। देखा जा रहा है कि लगातार रायपुर में लगातार दो दिनों की बारिश में पूरे जो शहर है वो लगातार जलमग्न होता दिखाई दिया है, चाहे घुटनों तक पानी गिर है, कई लोगों के घरों तक पानी गिर पहुँच चुका है। तो देखिए स्थिति यहाँ पर फिलहाल बरकरार है और लगातार पानी वो लगातार गिरता नजर आ रहा है। अब भी राजधानी रायपुर में हल्की से मध्यम वर्षा लगातार देखी जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अलर्ट जो है जारी किया गया है, बिलासपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। वीरेंद्र किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बारिश का सिलसिला जारी हो चुका है और क्या कुछ अनुमान मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर में? देखिए यहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और कल दोपहर से बारिश शुरू हुई, देर शाम होते होते और रात होते तक के भारी बारिश होती रही, जिसकी वजह से जो शहर के निचले इलाके हैं वो जलमग्न हैं, साथ ही घरों में पानी घुस गया। खास करके सदर बाजार से लेकर गोल बाजार और दयालबंद तक की जो सड़कें हैं वो जलमग्न थी। पुराना बस स्टैंड का इलाका जो है वो पूरा तालाब में तब्दील हो गया था, साथ ही घरों में पानी घुस गया। अरपा नदी जो बहती है उसके आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है और यदि पानी का बहाव जो है बढ़ता है तो उनको शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही जो नई कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी कई घरों में पानी भर गया है, तो इस तरह से जो जल निकासी की जो समस्या है उससे लोग जूझ रहे हैं और इसी वजह से जो घरों में पानी घुस रहा है। ये हर साल ऐसी स्थिति होती है और करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके जो शहर की स्थिति है वो अब तक नहीं सुधरी है, जिसकी वजह से लोग जल भराव की समस्या से दो चार हो रहे हैं। जी क्या क्या कह रहा है मौसम विभाग, आने वाले कितने दिनों तक इस तरह से मुसीबतों का सामना बारिश के चलते लोगों को करना पड़ेगा बिलासपुर में? देखिए आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उसके बाद कल से हालात सुधरेंगे ऐसा कहा जा रहा है और यदि आज भारी बारिश होती है तो शहर के कई इलाके ऐसे हैं जैसे तालापारा है, सिम्स है, सिम्स का जो एरिया है शहर के जो मुख्य इलाका कहलाता है, इसके अलावा विद्यानगर है, विनोबा नगर है, इन इलाकों में जो घर हैं उनके घरों में पानी घुस जाएगा। लेकिन यदि बारिश थोड़े से कम होगी तब उनको राहत मिल सकती है, तो आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और यदि हालात नहीं सुधरे तो घरों में जो लोग रह रहे हैं उनको तकलीफ हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर बारिश का सिलसिला जारी और ऐसे में आने वाले वक्त में फिलहाल बारिश बढ़ सकती है। राजधानी भोपाल से लेंगे राकेश, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है तो, बारिश को लेकर अनुमान जारी किया गया है राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के तमाम जिले जहाँ लगातार बारिश हो रही है वहाँ ये बारिश कब तक कहर बढ़ पाएगी, कब तक राहत बारिश से मिल पाएगी मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में? चलो तो मध्य प्रदेश को पानी की आवश्यकता है, पानी की जरूरत है और बीच में जब मानसून का ब्रेक हुआ था तो मध्य प्रदेश में हाहाकार मच चुका था, इस तरह के हालात बने थे, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि मानसून है मध्य प्रदेश के लिए ये मेहरबान है, मानसून मध्य प्रदेश के लिए बेहतर है और जितनी बारिश हो उतनी अभी कम है क्योंकि बारिश का कोटा होना पूरे में होने में अभी समय है। फिलहाल हम राजधानी भोपाल में देख पा रहे हैं कि जो हल्की बारिश है उसका फुहार जारी है, लेकिन मौसम केंद्र का जो आकलन है, मौसम केंद्र ने जो आकलन आज बारिश होगी, इसी तरह का बारिश का दौर जारी रहेगा जिसमें मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम और सागर संभाग है जहाँ के यहाँ पर सर्वोत्तम रहेंगे। मौसम केंद्र के आकलन की बात करें तो ये बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, दो से तीन दिन तक ये इस तरह का दौर जारी रहेगा जिसमें कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, कहीं पर हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश हो सकती है कहीं पर हल्की बारिश होगी, लेकिन 36 जिलों के अलावा हम मध्य प्रदेश के दूसरे अलग जिलों की बात करें तो वहाँ भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, यानी कह सकते हैं कि मानसून समूचे मध्य प्रदेश पर मेहरबान है और फिलहाल दो से तीन दिन तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, यानी कि आने वाले दो से तीन दिन तक लगातार